पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने चौथे दिन के खेल में दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की। उनका पाकिस्तान की टीम को दूसरी पारी में 172 रन पर ढेर करने में अहम हाथ रहा। हसन महमूद ने दूसरी पारी में कुल 5 विकेट झटके। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थी। ममता बनर्जी ने भी इस खबर के संबंध में दुख जताया है। आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड टीम खेलेगी। कैथरीन ब्राइस कप्तानी करेंगी। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यूएई में आयोजित होगा। पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम की फॉर्म के कारण वह अपनी टीम और फैंस को निराश कर रहे हैं। उनकी खराब फॉर्म के चलते बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में बाबर बुरी तरह से फेल रहे हैं। यह स्थिति उनकी टीम में उनकी जगह पर असर डाल सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। गावस्कर का कहना है कि टीम इंडिया 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी। बता दे कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 लगातार टेस्ट सीरीज में कंगारू टीम को मात दी। बारबाडोस रॉयल्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में एंटीगा और बारबुडा फाल्कन्स को 9 विकेट से मात दी। क्विंटन डीकॉक ने अपनी तूफानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक तरफा अंदाज में जीत दिलाई। डीकॉक ने 45 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रनों की पारी खेली। मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी के बावजूद उन्होंने विकेट भी नहीं लिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा आज 36 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें से एक है कि उन्होंने विदेशी टेस्ट मैच में 4 बार से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। उन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज ने कपिल देव पर हमला बोला है। योगराज ने कहा है कि कपिल देव के पास सिर्फ एक ट्रॉफी है, जबकि युवराज सिंह के पास उनसे ज्यादा है। युवराज 2007 में टी20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। मैसूर वॉरियर्स ने कप्तान करुण नायर की अद्वितीय पारी के साथ महाराजा ट्रॉफी जीती। नायर के अलावा SU कार्तिक ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। बेंगलुरु की टीम से कोई भी बल्लेबाज विजय पारी नहीं खेल सका।